जब पूरा देश गणतंत्र दिवस की तैयारियां कर रहा था, तब झारखंड के चाईबासा में ऐसी घटना हुई जो देश के विरुद्ध बड़ी साजिश का हिस्सा है। 23 जनवरी को चाईबासा के मुफस्सिल इलाके में कुर्सी पंचायत के लादुराबासा गांव के एक विद्यालय में कुछ लोग भर्तियां करने में लगे थे। हैरानी इसके बाद की कहानी में है। ये भर्तियां अलग कोल्हान देश के लिए की जा रही थी। कोल्हान देश के लिए 30,000 पुलिस वालों और मुंडा, मानकी और हो भाषाएं पढ़ाने वाले 10,000 शिक्षकों की जरूरत थी। पुलिस को खबर मिली तो विद्यालय पहुंचकर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कहानी का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद लगभग 400 लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया। थाना प्रभारी समेत दर्जन भर जवान घायल हुए। एक सिपाही की कमर में गहरा तीर लगा। इस मामले में 200 से ज्यादा लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई, जिसमें आनंद चातर नाम के शख्स को मुख्य षड्यंत्रकारी माना गया। भर्ती प्रक्रिया में कोबरा बटालियन का एक जवान भी लगा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये जवान वहां के लोगों को पुलिस प्रशिक्षण भी देता था। घटना के बाद राज्य की राजनीति गरमानी ही थी। भाजपा विधायक बिरंची नारायण का कहना था कि ये सरकार की विफलता है कि कुछ लोग एक अलग देश की मांग करने का दुस्साहस कर रहे हैं। यदि सरकार नहीं चेती तो आने वाले समय में स्थिति और भयानक होगी। इधर राज्य सरकार में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो उसने कार्रवाई की। झारखंड में कोल्हान नाम से एक प्रमंडल है, जिसके अंतर्गत 3 जिले हैं। ये है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। अंग्रेजी शासन के दौरान सर थॉमस विल्किंसन साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी छोटा नागपुर प्रमंडल का प्रमुख था। कि उन दिनों मुंडा जनजाति के लोग कोल विद्रोह चला रहे थे। उस विद्रोह को दबाने के लिए विल्किंसन ने सैन्य कार्रवाई की। इस कारण कोल्हान क्षेत्र के 620 गांवों के मुंडाओं यानी प्रधानों को ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। फिर भी विद्रोह की चिंगारी पूरी तरह बुझी नहीं। तब विल्किंसन ने 1833 में कोल्हान सेपरेट एस्टेट की घोषणा कर चाईबासा को उसका मुख्यालय बना दिया। इसके साथ ही उसने लोगों को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में पहले से चली आ रही मुंडा मानकी स्वशासन की व्यवस्था लागू कर दी। इसे ही विल्किंसन रूल कहा गया। इसके तहत सिविल मामलों के निपटारे का अधिकार मुंडाओं को मिला, जबकि आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए मानकी को अधिकृत किया गया। सूर्य सिंह बेसरा मानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों के भारत में विलय के समय कोल्हान क्षेत्र में कोई रियासत प्रभावी नहीं थी। ये इलाका मुगलों के वक्त से ही पोड़ाहाट के राजा की रियासत थी, लेकिन अलग कोल्हान स्टेट बनने के बाद सारे अधिकार मुंडाओं के हाथों में आ गए थे। बाद में पोड़ाहाट के राजा का भी अस्तित्व नहीं रहा। इस कारण कोल्हान इलाके के भारतीय संघ में विलय का कोई मजबूत दस्तावेज नहीं बन सका और इस क्षेत्र में विल्किंसन रूल प्रभावी रहा। इसी को आधार बनाकर जब तब अलग कोल्हान देश की मांग कर दी जाती है। कुछ साल पहले रामो बिस्वा नाम के आदमी ने अपने आप को कोल्हान देश का राष्ट्रपति घोषित कर कोल्हान देश की मांग की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और वहीं उसने दम तोड़ा। आनंद चातर उसी का साथी है, वो भी जेल में था। कुछ दिन पहले ही वो जमानत पर बाहर आया और तब से कोल्हान देश के नाम पर पुलिस और शिक्षकों की भर्तियों में लगा था। कोल्हान विषय को गहराई से समझने वाले बताते हैं कि इसके पीछे मिशनरियों का हाथ है, क्योंकि 40 साल पहले भी 30 मार्च 1980 को कोल्हान रक्षा संघ के नेता क्राइस्ट आनंद टोपड़ो, कृष्णचंद्र हेम्ब्रम और नारायण जोनको ने विल्किंसन रूल का हवाला देते हुए कहा था कि कोल्हान इलाके पर भारत का कोई अधिकार नहीं बनता। उस वक्त भी उन लोगों ने अंग्रेजों की सरकार पर ही अपनी आस्था जताई थी। वैसे पूरा कोल्हान क्षेत्र नक्सल प्रभावित भी है, इसीलिए कोल्हान देश की मांग नक्सली षड्यंत्र भी मानी जाती है। 4 साल पहले भी झारखंड के कई जिलों में जनजातियों की प्राचीन परंपरा पत्थरगढ़ी की आड़ में लोगों को उकसाया गया। चर्च और नक्सली संगठनों के लोग किसी भी गांव के बाहर पत्थरगढ़ी कर कहते थे कि यहां गांव वालों की अनुमति के बिना किसी का भी प्रवेश निषेध है। भाजपा की तत्कालीन सरकार ने जब सख्ती बरती तो पत्थरगढ़ी के नाम पर नक्सलियों और चर्च का खेल बंद हुआ। मगर नवंबर 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला काम पत्थरगढ़ी के आरोप में बंद लोगों को जेल से छोड़ने का किया। इस कारण ऐसे तत्वों का दुस्साहस बढ़ा और वो कोल्हान देश की मांग तक पहुंच गया। भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देती ऐसी घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि देश विरोधी षड्यंत्र रचने वाले कहीं कहीं समाज में गहरे तक जड़े जमाए बैठे हैं और अपनी टूल किट के हिसाब से अस्थिरता और अराजकता फैलाकर टुकड़े टुकड़े की साजिश पर काम करते हैं। मगर भारत का विविधता और अनेकता वाला समावेशी चरित्र असत्य और भ्रम पर टिकी ऐसी साजिशों को कभी कामयाब नहीं होने देगा।